And this is the second part. In our first part, in our first video, we learnt about the adaptation of animals to their habitats. अलग अलग तरह के परिवेश में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनमें किस किस प्रकार की खासियत, किस किस प्रकार के फीचर्स होते हैं जिन्हें कि हम लोग अडेप्टेशन कहते हैं, ये हमने फर्स्ट वीडियो में देखा। टेरिस्ट्रियल एनिमल्स, ज़मीन पर रहने वाले एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, पानी में रहने वाले एनिमल्स, एम्फीबियंस जो दोनों जगह रह लेते हैं या रहते हैं, एरियल जो हवा में उड़ते हैं, और आर्बोरियल जो पेड़ों पर रहते हैं ज़्यादातर समय। इस प्रकार के एनिमल्स में किस किस प्रकार की खासियत होती है, किस किस प्रकार के स्पेशल फीचर्स होते हैं, ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा था, अपने फर्स्ट क्लास में देखा था। एंड नाउ टुडे इन दिस वीडियो वी लर्न अबाउट द एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स फॉर देयर फूड। भोजन कैसे मिलता है एनिमल्स को, और चूंकि हर प्रकार के एनिमल्स का भोजन अलग अलग प्रकार का होता है, कुछ मांस खाने वाले होते हैं, कुछ हर्बीवोर्स होते हैं, प्लांट पर डिपेंडेंट होते हैं, कुछ प्रीडेटर्स होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के एनिमल्स का चूंकि फूड हैबिट भी अलग अलग होता है, इसलिए भोजन को प्राप्त करने के लिए, भोजन मिले उन्हें इसके लिए उनमें स्पेशल फीचर्स होते हैं। आज हम लोग उनकी चर्चा कर लेते हैं। अडेप्टेशंस फॉर फूड, भोजन के लिए अडेप्टेशन। एनिमल्स ईट अ वेराइटी ऑफ फूड्स, कई तरह के भोजन करते हैं, सारे एनिमल्स एक जैसे भोजन तो करते नहीं हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड इन टू द फॉलोइंग कैटेगरीज, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स एंड पैरासाइट्स। अलग अलग प्रकार के एनिमल्स के फूड हैबिट्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, और उसके आधार पर हम लोग एनिमल्स को चार कैटेगरी में बांटते हैं, कैटेगराइज करते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स एंड पैरासाइट्स। तो बारी बारी से हम लोग देखते हैं हर्बीवोर्स क्या होते हैं, कौन होते हैं, किन्हें कहते हैं, शायद आपने नाम पहले भी सुना होगा, और इनमें क्या खासियत होती है, ये जरा देखते हैं। हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स आर द एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल कॉज, गोट्स एंड एलिफेंट्स। दे हैव शार्प फ्रंट टीथ फॉर कटिंग एंड ब्रॉड बैक टीथ फॉर ग्राइंडिंग। हर्बीवोर्स जो घास खाने वाले, प्लांट प्रोडक्ट्स को खाने वाले एनिमल्स होते हैं, उनकी खासियत क्या होती है, गौर कीजिए, इसे आप पेंसिल से अंडरलाइन करें। दे हैव शार्प फ्रंट टीथ फॉर कटिंग, उनका सामने वाला जो टीथ होता है, जो बाहर से दिखता है आपको ओट के अंदर, वो शार्प होता है, काफ़ी नुकीला होता है, क्योंकि इन्हें भोजन को काटना होता है। और पीछे वाला दांत, जिसे हम लोग चौवा कहते हैं, वो इनका काफ़ी चौड़ा होता है, क्योंकि भोजन को चबाना पड़ता है। तो दो खासियत इनके टीथ में, जो हर्बीवोर्स होते हैं यानी कि घास खाने वाले शाकाहारी जीव होते हैं। द एनिमल्स दैट ईट ग्रास हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स दैट हेल्प देम टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस। घास खाने वाले, जो ग्रास खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं, उनके पैर काफ़ी मजबूत होते हैं। पैर इसलिए मजबूत होते हैं क्योंकि घास की तलाश में, ग्रास की तलाश में उन्हें काफ़ी डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। कभी कभी तो ग्रास की कमी हो जाती है तो काफ़ी दूर तक भटकना पड़ता है। अ जिराफ हैज़ अ लॉन्ग नेक सो इट कैन ईट द लीव्स ऑन हाई ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। ये तो आप जानते ही होंगे, जिराफ की गर्दन काफ़ी लंबी होती है क्योंकि ऊंचे ऊंचे पेड़ की पत्तियों को इन्हें खाना होता है। तो ये सारे कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। जो भी स्पेशल फीचर्स आपको मिल रहे हैं उन्हें आप अंडरलाइन करते चले जाएंगे पेंसिल से। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि दे हैव शार्प फ्रंट टीथ फॉर कटिंग एंड ब्रॉड बैक टीथ फॉर ग्राइंडिंग, चबाने के लिए चौड़ा चौड़ा दांत होता है, और काटने के लिए नुकीला, सॉरी, तेज दांत होता है, चाकू की तरह शार्प होता है फ्रंट टीथ। और यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग लेग्स, इनके पैर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं जिससे कि ये काफ़ी दूर तक चल सके, थके नहीं, चूँकि घास की कभी कभी बहुत दिक्कत हो जाती है। और जिराफ के गर्दन लंबे होते हैं, लॉन्ग नेक को आप अंडरलाइन करेंगे क्योंकि उन्हें ऊंचे पेड़ की टहनियों से पत्तों को खाना होता है।
कार्निवोर्स के बारे में, कार्निवोर्स क्या होते हैं, नाम जरूर आपने सुना होगा। कार्निवोर्स आर फ्लैश ईटर्स, मांस खाने वाले जीव को कार्निवोर्स कहते हैं, तो इसे अंडरलाइन कर देंगे आप, कार्निवोर्स आर फ्लैश ईटर्स, मांस खाने वाले जीव होते हैं कार्निवोर्स। बिल्कुल सिंपल, देखिए तीन वर्ड में हो गया। लाइक लायंस, टाइगर्स एंड वोल्व्स, लायंस टाइगर्स वोल्व्स ये सारे कार्निवोर्स हैं। दे हैव वेरी शार्प पॉइंटेड एंड कर्व्ड फ्रंट टीथ फॉर टियरिंग फ्लैश। आप देख रहे हैं यहाँ पिक्चर में, आप ये देखिए लायन है, लायन के टीथ को आप देख लीजिए, दो तो काफ़ी नुकीला और लंबा लंबा टीथ है, समझे ना। इसे आप आगे चलकर पढ़ेंगे क्लास 5-6 वगैरह में, इसे कैनाइन कहते हैं, CANINE। ये काफ़ी नुकीला होता है, इसे टियरिंग टीथ भी कहते हैं, चीज़ों को चीरने फाड़ने में हेल्प करता है ये, और मांस खाने वाले जो जीव होते हैं उनमें ये काफ़ी डेवलप्ड होता है, काफ़ी पॉइंटेड होता है। तो कहता है इनके सामने का जो टीथ होता है वो काफ़ी शार्प होता है, पॉइंटेड होता है एंड कर्व्ड, थोड़ा सा कर्व्ड भी होता है, जो कि मांस को चीरने फाड़ने में इनकी मदद करता है। दे हैव शार्प क्लॉज टू कैच देयर प्रे, इनके पंजे जो होते हैं वो काफ़ी शार्प होता है, जिससे ये शिकार को बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं। कार्निवोर्स बर्ड्स लाइक ईगल्स एंड हॉक्स हैव शार्प बीक्स एंड स्ट्रॉन्ग टैलेंस। हाँ, कुछ तो बर्ड्स होते हैं जो कार्निवोर्स बर्ड्स हैं, जैसे ईगल्स एंड हॉक्स, बाज, चील, और ये काफ़ी ऊंचाई पर उड़ते हैं, और ये भी कार्निवोर्स हैं, मांस खाने वाले हैं, मरे हुए जीवों को खाते हैं, और इनके बीक, इनके चोंच काफ़ी शार्प होते हैं, और स्ट्रॉन्ग टैलेंस, इनका पंजा भी काफ़ी मजबूत होता है, झपट्टा मार करके किसी को ये मार सकते हैं, पकड़ सकते हैं। देयर शार्प आइज हेल्प देम टू स्पॉट देयर प्रे फ्रॉम अ ग्रेट हाइट अबव द ग्राउंड। हाँ, आप जानते होंगे चील, बाज, गिद्ध ये काफ़ी ऊंचाई पर उड़ते हैं, काफ़ी ऊंचाई पर उड़ने वाले ये बर्ड्स होते हैं, और इनका आईसाइट इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इनकी नज़र इतनी तेज होती है कि दूर से ही ये शिकार को पकड़ लेते हैं, देख लेते हैं कि इनका भोजन कहाँ पर धरती पर दिख रहा है, वहाँ ये पहुँच जाते हैं। तो जो भी स्पेशल फीचर्स हैं उन्हें आप अंडरलाइन करेंगे यहाँ पर। अब देखिए मांस खाने वाले जो लायंस टाइगर्स टाइप के होते हैं एनिमल्स, उनका शार्प पॉइंटेड एंड कर्व्ड फ्रंट टीथ फॉर टियरिंग फ्लैश, इसे आप अंडरलाइन करेंगे। शार्प क्लॉज भी होते हैं, इसे भी आप अंडरलाइन करेंगे। और ईगल्स एंड बर्ड्स के बारे में, इनके बीक्स शार्प होते हैं और स्ट्रॉन्ग टैलेंस होते हैं, इनके आई साइट स्ट्रॉन्ग होती है, इन चीज़ों को, इन सारे अडेप्टेशंस को आप अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट आते हैं ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स, ओमनीवोर्स आर द एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसे आप अंडरलाइन कर दीजिए। ओमनीवोर्स आर द एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल बियर्स, क्रोस, कैट्स। भालू तो आप जानते हैं दोनों चीज़ खाता है, कौवा को भी आप जानते हैं दोनों ही चीज़ खा लेता है, मांस भी खा लेता है और एनिमल प्रोडक्ट भी, कुछ भी अनाज वगैरह भी खा लेता है, बिल्लियाँ, डॉग्स भी हो जाते हैं, ओमनीवोर्स हैं ये सारे। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो ओमनीवोर्स, हम लोग भी तो ओमनीवोर्स हैं, हम लोग दोनों चीज़ खा लेते हैं। दीज एनिमल्स हैव शार्प फ्रंट टीथ लाइक कार्निवोर्स फॉर टियरिंग फ्लैश एंड ब्रॉड बैक टीथ फॉर हर्बीवोर्स फॉर ग्राइंड। ये दोनों ही चीज़ खाते हैं, ये हर्बीवोर की तरह घास भी खाते हैं, यानी प्लांट आइटम्स, प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, और कार्निवोर्स की तरह मांस भी खाते हैं। तो दोनों ही प्रकार के अडेप्टेशंस इसमें होते हैं, कार्निवोर की तरह इनमें जो है शार्प पॉइंटेड टीथ भी होता है मांस खाने के लिए, चीरने फाड़ने के लिए, और हर्बीवोर्स की तरह इनका फ्रंट शार्प फ्रंट टीथ और ब्रॉड बैक टीथ भी होता है चीज़ों को चबाने के लिए, भोजन को चबाने के लिए। तो ओमनीवोर्स जो होते हैं उनमें दोनों ही प्रकार के अडेप्टेशंस कुछ कुछ होते हैं, जैसा कि ह्यूमन बींग में भी होता है। पैरासाइट्स की बात करते हैं, पैरासाइट्स आर एनिमल्स दैट लीव ऑन और इनसाइड द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स एंड गेट फूड फ्रॉम देम। ऐसे एनिमल्स जो किसी दूसरे जीव के बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर होते हैं और फूड भी उन्हीं से ले लेते हैं, एक्चुअली वो उनसे फूड चुराते हैं,
पैरासाइट्स वर्ड का यूज़ आपने प्लांट के सेंस में भी पढ़ा है इसके पहले, और वही चीज़ एनिमल्स में भी है। दूसरों के ऊपर रहना या दूसरों के बॉडी के अंदर रहना और वहीं से फूड को लेना, फूड भोजन प्राप्त करना, ये पैरासाइट्स होते हैं। द एनिमल्स ऑन विच पैरासाइट्स डिपेंड फॉर देयर फूड आर कॉल्ड होस्ट्स। जिस एनिमल के ऊपर या अंदर रहते हैं, जिनके बॉडी में ये रहते हैं, उन्हें होस्ट कहते हैं। होस्ट वर्ड को आप अंडरलाइन करेंगे। फ्लीज, लाइस, बेड बग्स, लीचेज एक्सेट्रा लीव ऑन द होस्ट्स बॉडी एंड सक ब्लड व्हाइल टेप वर्म्स, राउंड वर्म्स एंड हुक वर्म्स लीव इनसाइड द होस्ट बॉडी। कुछ ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो होस्ट के बॉडी के ऊपर रहते हैं, जैसे फ्लीज, लाइस, बेड बग, लीचेज, जैसे जूं होता है या ढीला, चिल्लड़ या खटमल, जोंक पानी में रहता है, ये भी भोजन लेते हैं आपके बॉडी से, आपके खून को चूसते हैं और खून में ही, आपके ब्लड में ही तो फूड होता है, तो उस फूड को ये वहाँ से स्टील चुरा लेते हैं। दे स्टील फूड फ्रॉम आवर ब्लड। ये हमारे बॉडी के ऊपर होते हैं और हमसे भोजन ले लेते हैं। दे आर एक्टोपैरासाइट्स, बॉडी के ऊपर होते हैं ये, जबकि कुछ पैरासाइट्स हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, हमारे इंटेस्टाइन्स में होते हैं, हमारे स्टमक में होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर होते हैं और वे अंदर ही रह करके हमसे फूड ले लेते हैं, जैसे टेप वर्म्स, राउंड वर्म्स, ये वर्म्स होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं कि कृमि, पेट में कीड़ा हो गया है, कृमि हो गया है, उसकी हम लोग दवाई वगैरह भी स्कूल्स में भी कभी कभी खिलाई जाती है। ये टेप वर्म्स, राउंड वर्म्स, कोई चपटा होता है, कोई राउंड सांप की तरह का होता है, कुछ हुक वर्म्स, हुक की तरह का चिपका हुआ रहता है कहीं ना कहीं आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में। लिव इनसाइड होस्ट बॉडी। पैरासाइट्स हैव सकिंग ट्यूब्स टू सक ब्लड फ्रॉम द होस्ट बॉडी। ये जो पैरासाइट्स होते हैं इनमें सकिंग ट्यूब्स होते हैं। एक ट्यूब होता है जो सकिंग नेचर का होता है, चूसने वाला, और उसी ट्यूब की मदद से ये ब्लड चूसते हैं और ब्लड में रहने वाला जो फूड आइटम, फूड है, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है होस्ट की बॉडी में, उसे भी ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो पैरासाइट्स दो तरह के हो गए, जो बॉडी के ऊपर रहते हैं, होस्ट के बॉडी के ऊपर रहते हैं, और दूसरा जो होस्ट के बॉडी के अंदर होते हैं। सपोज अगर हम बात कर लें लाइस की, जूं की बात कर लें, तो ये जूं हमारे बॉडी के ऊपर रहता है, जूं हमारे बालों में होता है और वहीं से खून चूसता है, तो वो बाहर रहने वाला पैरासाइट हो गया। और दूसरा वर्म्स हो गए, चाहे वो टेप वर्म हो या राउंड वर्म्स हो या हुक वर्म्स हो, ये वर्म्स हो गए। वर्म्स जो होते हैं वो एंडोपैरासाइट्स हैं, हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं और वहीं से ब्लड को सक करते हैं और उससे फूड लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि उनके फूड हैबिट्स के हिसाब से एनिमल्स चार तरह के होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स एंड पैरासाइट्स। और ये चारों ही प्रकार के एनिमल्स में अलग अलग प्रकार की खासियत होती है, जिसे हम लोग साइंस की भाषा में अडेप्टेशन कहते हैं। और अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे अडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए अडेप्टेशन किस किस प्रकार का होता है, प्रोटेक्शन के लिए, जैसे बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए। With so many predators around, an animal is never safe. चारों तरफ शिकारी भरा हुआ है, predator कहते हैं शिकारी जानवर, जैसे lion deer को खा लेता है, lion is a predator. ऐसे केसेस में lion predator कहलाएगा। तो चारों तरफ predators भरे हुए हैं, ताकतवर जीव होते हैं predators, ये भरे हुए हैं, तो ऐसे में सेफ रहना बड़ा मुश्किल होता है। Animals have to remain alert all the time. और जो कमज़ोर एनिमल्स होते हैं, जिन्हें शिकार हो जाने का डर रहता है, वे हमेशा अलर्ट रहते हैं। इट इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर देम, जीवन और मृत्यु का सवाल है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एनिमल टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ एंड कंटिन्यू टू लिव एंड रिप्रोड्यूस। और काफ़ी मुश्किल हो जाता है और काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है वैसे जीवों के लिए अपने आप को बचाना
अपने आप को जिंदा रखना और रिप्रोड्यूस करना आगे के लिए, अपने जनरेशंस को कायम रख पाना। लेट्स सी हाउ सम एनिमल्स अडेप्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज। हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि एनिमल्स जो होते हैं अपने दुश्मनों से अपनी बचाव कैसे करते हैं। देखिए, एक बॉक्स दिया हुआ है आपके बुक में, ये पूरे के पूरे पेज में एक बॉक्स है और इस बॉक्स में कुछ खास खास प्रकार के एनिमल्स के बारे में बताया गया कि वे अपना बचाव कैसे करते हैं, अपने आप को बचाते कैसे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये होता है। आप डिस्कवरी चैनल देखते होंगे, डिस्कवरी चैनल पर या नेशनल ज्योग्राफिक पर इस प्रकार या एनिमल प्लेनेट वगैरह जो भी होता है चैनल, थोड़ा सा देखना चाहिए। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। अलग अलग प्रकार के एनिमल्स में क्या क्या खासियत होती है, कुछ खास विशेषताएँ होती हैं, उसके बारे में बताया जाता है। तो लेट्स सी, सम एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, व्हेल्स एंड हिप्पोपोटामस स्केयर अवे देयर एनिमीज बाय देयर साइज। कुछ एनिमल्स तो इतने बड़े होते हैं, जैसे एलिफेंट है, हिप्पोपोटामस है, व्हेल्स हैं पानी में रहने वाली, ये इतने बड़े होते हैं कि इनका बॉडी देख करके ही दूसरा जानवर जो है भाग जाता है। यानी ये अपने लार्ज बॉडी साइज से डराते हैं दूसरे जीवों को, ताकि इन्हें कोई पकड़ न सके, इनका कोई शिकार न कर सके। सामने देखिए दूसरा है, एनिमल्स लाइक डियर एंड ग्रेजल्स हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स एंड कैन ईजिली रन अवे फ्रॉम डेंजर। डियर है, हिरण है, ग्रेजल्स बारहसिंघा को कहते हैं। तो ये सारे जो एनिमल्स होते हैं काफ़ी कमज़ोर होते हैं, लेकिन इनके पैर काफ़ी मजबूत होते हैं और काफ़ी फास्ट दौड़ सकते हैं। आपने ज़रूर देखा होगा डिस्कवरी पर कि जब कोई लायन, टाइगर, लियोपर्ड इनका पीछा करता है तो ये काफ़ी तेज़ी से भागते हैं और अपना बचाव कर पाते हैं। क्यों ऐसा हो पाता है? क्योंकि इनके लेग्स काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, काफ़ी तेज़ भाग सकते हैं, काफ़ी तेज़ दौड़ सकते हैं। नेक्स्ट, द स्ट्राइप्स ऑन अ जेब्रा एंड द स्पॉट्स ऑन अ डियर हेल्प देम टू ब्लेंड इन देयर सराउंडिंग्स, इट इज़ कॉल्ड कैमोफ्लाज। ये भी आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। जेब्रा, जेब्रा के बॉडी पर स्ट्राइप्स होता है, धारियाँ होती हैं, और ये जो धारियाँ होती हैं ये उन्हें छुपा लेती है। जैसे देखिए, आप यहाँ पिक्चर में देखिए, जेब्रा है, झाड़ियों के बीच छुपा हुआ है, झाड़ियों जैसा ही बन जाता है। इसके बॉडी का कलर, इसके बॉडी का डिजाइन, इसके स्किन पर जो ये स्ट्राइप्स दिख रहे हैं, धारियाँ दिख रही हैं, वो ऐसा लग रहा है कि झाड़ी का ही एक हिस्सा है, अपने आप को छुपा लेते हैं। ठीक उसी तरह से दूसरे पिक्चर में देखिए, डियर, डियर के बॉडी पर भी स्पॉट्स होते हैं, दाग होते हैं, चिन्ह होते हैं, और वो उसी प्रकार के एनवायरनमेंट में, उसी प्रकार के माहौल में वे छुपे होते हैं। पता ही नहीं चल पाता है दुश्मन को, प्रीडेटर को, कि यहाँ पर कोई जानवर छुपा हुआ है। यानी अपने आप को सराउंडिंग से मिला लेते हैं, कह रहा है ब्लेंड इन देयर सराउंडिंग्स, अपने आप को सराउंडिंग से मिला लेते हैं, पता ही नहीं चल रहा है यहाँ कोई है। इसे कहते हैं कैमोफ्लॉज, अपने आप, अपने बॉडी के, बॉडी का डिजाइन ऐसा होना ताकि कोई भी एनिमल अपने आप को सराउंडिंग में छुपा ले, अपने परिवेश से मिला करके अपने बॉडी का डिजाइन, अपने बॉडी का कलर, अपना अपीयरेंस अपने सराउंडिंग्स के जैसा बना करके अपने आप को छुपा ले, ये कैमोफ्लॉज कहलाता है। नेक्स्ट एक देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट अ लीफ इंसेक्ट एंड अ स्टिक इंसेक्ट बिकॉज दे लुक लाइक अ लीफ एंड अ ट्विक रिस्पेक्टिवली। एक होता है लीफ इंसेक्ट, फर्स्ट पिक्चर में देखिए आप, लीफ इंसेक्ट, ये इंसेक्ट है लेकिन दिखने में लीफ के तरह का लगता है। तो पत्तियों पर अगर ये इंसेक्ट है, उससे फूड ले रहा है, तो दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा यहाँ पर कोई इंसेक्ट है, उनको लगेगा ये तो लीफ है। और दूसरा, ये देखिए, जरूर आपने देखा होगा ये सेकेंड वाला पार्ट, ये ट्विक इंसेक्ट, सॉरी स्टिक इंसेक्ट है, ये बिल्कुल लकड़ी के जैसा लग रहा है, स्टिक के जैसा लग रहा है, जबकि ये इंसेक्ट है। और लग क्या रहा है कि ये डंठल है, पेड़ की ये घास पात का डंठल है, इसे हम लोग स्टिक इंसेक्ट कहते हैं। तो ये लीफ इंसेक्ट एंड स्टिक इंसेक्ट का ऐसा लुक ही होता है कि ये पत्तियों और झाड़ियों के बीच में वो अपने आप को मिला लेते हैं और दुश्मन की नज़र से बच पाते हैं। ट्विग मतलब होता है टहनी, पतली छोटी टहनी को।
आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी इंटरेस्टिंग बात है। अ कैमलियन चेंजेज इट्स कलर टू मैच इट्स सराउंडिंग। कैमलियन तो और भी कलाकार होता है, ये अपने बॉडी के कलर को बदल लेता है, जैसा सराउंडिंग है वैसा कलर बना लेता है। अगर ये घास के बीच में है तो अपना कलर घास से मिलता जुलता बना लेता है, अगर कहीं पर वो ड्राई लैंड है तो अपना ये कलर ड्राई लैंड जैसा बना लेता है, ब्राउन कलर का बना लेता है, दुश्मन को पता ही नहीं चल पाता है। तो कैमलियन काफ़ी यूनिक एनिमल होता है, जीव होता है। सामने देखिए द आर्कटिक फॉक्स। आर्कटिक कहते हैं बर्फ जहाँ जमा रहता है, आर्कटिक रीजन उसे कहते हैं, वैसा रीजन जहाँ बर्फ जमा रहता है और वहाँ पर जीव जंतु काफ़ी कम पाए जाते हैं, बहुत रेयर, बहुत कम तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, वो आर्कटिक रीजन होता है, वहीं पर पाया जाता है एक आर्कटिक फॉक्स। द आर्कटिक फॉक्स चेंजेस द कलर ऑफ इट्स फर फ्रॉम ब्राउन टू व्हाइट टू ब्लेंड इन विद द सराउंडिंग स्नो। बर्फ जमा हुआ है, आर्कटिक फॉक्स के स्किन का कलर, इनके फर, इनके रोएं का कलर ब्राउन होता है, जैसा का फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं, लेकिन शिकार से बचने के लिए ये अपना कलर वाइट कर लेता है और बर्फ के बीच में छुपा हुआ रहता है। तो बर्फ के बीच अगर है, बर्फ के बीच अगर ये अपना कलर वाइट कर लिया है तो दूर से तो किसी भी प्रीडेटर को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ कोई फॉक्स है, लगेगा ये तो आइस है, बर्फ जमा हुआ है। ये खासियत आर्कटिक फॉक्स में होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक दिया है पॉर्क्यूपाइंस बैक। अ पॉर्क्यूपाइंस बैक इज कवर्ड विथ शार्प क्विल्स। क्विल मीन्स पंख होता है। इट रोल्स इटसेल्फ इनटू अ बॉल व्हेन इट सेंसेस डेंजर। पॉर्क्यूपाइन एक प्रकार का जैसे रैट होता है ना, चूहा जैसा होता है, उसी प्रजाति का, उसी टाइप का एक एनिमल होता है। और इनका जो बाहर वाला पार्ट होता है, इनका जो स्किन वाला पार्ट होता है, उस पर कुछ नुकीले क्विल्स होते हैं। क्विल मीन्स पंख, कुछ नुकीले पंख होते हैं। जैसे ही इन्हें लगता है कि कोई दुश्मन आ रहा है, कोई खतरा है, ये अपने बॉडी को देखिए इस तरह से राउंड कर लेते हैं। सेकंड पिक्चर में आप देखिए अपने बॉडी को राउंड कर लेते हैं, बॉल की तरह, ये बॉल की तरह राउंड कर लेते हैं और इनका नुकीला पंख जो है सामने बाहर की ओर चला आता है। नेक्स्ट देखिए अ टॉर्टॉइस हैज अ हार्ड सेल ऑन इट्स बैक। इट हाइड्स इनसाइड इट्स हार्ड सेल टू सेव इटसेल्फ। कछुए को देख रहे हैं, इनके बॉडी के चारों तरफ एक हार्ड सेल होता है और जब भी कभी खतरा देखता है अपने पूरे बॉडी को उसके अंदर छुपा लेता है और अपने आप को सेफ करता है। लास्ट में देखते हैं अ पफर फिश। पफर फिश होता है, ये जब भी चाहे अपने बॉडी को फुला लेता है बैलून की तरह, यूनिक होता है। अ पफर फिश एस्केप्स फ्रॉम एनिमीज बाय पफिंग अप लाइक अ बैलून। जब भी देखता है कोई दुश्मन को अपने बॉडी को फुला लेता है बैलून की तरह। दिस मेक्स द शार्प स्पाइंस ऑन इट्स बॉडी स्टिक आउट। और इनके बॉडी पर नुकीले स्पाइंस होते हैं, कांटे होते हैं, जैसे ही अपने बॉडी को बैलून की तरफ फुला लेता है इनके कांटे सारे बाहर चारों तरफ से निकल आते हैं। यूनिक है। एंड लास्ट अ फ्रिल्ड लिजार्ड। लिजार्ड तो कई प्रकार के होते हैं, छिपकली कई प्रकार की होती हैं और गिरगिट। और उसी में एक होता है ऐसा लिजार्ड, आपने कभी देखा होगा, कभी कभी गर्दन के निकट वो अपने बॉडी को काफ़ी फुला लेता है, काफ़ी वो अपने स्ट्रक्चर को, सामने वाले स्ट्रक्चर को काफ़ी बदल लेता है। और ये देखिए आप पिक्चर में आप देख सकते हैं अ फ्रिल्ड लिजार्ड हैज़ अ लार्ज फोल्ड ऑफ स्किन अराउंड इट्स नेक। गर्दन के निकट स्किन जो है, स्किन में काफ़ी फोल्ड्स होते हैं, काफ़ी मुड़ा हुआ स्किन होता है। और व्हेन अटैक्ड, जब भी इस पर आक्रमण होता है या होने वाला होता है, इट ओपन्स अप इट्स फ्रिल। एक तरह से होता है ना, जैसे हम लोग अम्ब्रेला को समेट कर रखते हैं, जब भी ज़रूरत होता है उसे फैला देते हैं, इनका स्किन वैसा ही होता है, गर्दन के पास का स्किन वैसा ही होता है। जब भी देखता है कोई दुश्मन आ गया, ये अपने पूरे स्किन को फैला देता है। आप सेकेंड पार्ट में देख सकते हैं ये फैला हुआ है। कहता है इट ओपन्स अप इट्स फ्रिल एंड हिसेस टू स्केयर अवे इट्स एनिमीज। पूरे अपने गर्दन के निकट के स्किन को फैला देता है
देखने में भयानक लगने लगता है, डरावना लगने लगता है और फुफकारता है सांप की तरह ताकि दुश्मन डर के भाग जाए। तो दीज वेर सम अडेप्टेशंस वी कैन सी इन एनिमल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, अपने आप को बचाने के लिए, दुश्मन से, प्रीडेटर से बचाने के लिए एनिमल्स में कुछ खासियत होती है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका ख़त्म हुआ जिसमें हमने एनिमल्स में क्या क्या खासियत होती है, चाहे अपने सराउंडिंग में रहने के लिए या फिर भोजन के लिए या फिर दुश्मनों से बचने के लिए। तो ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। अब हम लोग इन दोनों ही पार्ट्स के वीडियोस को देखेंगे, बुक्स को पढ़ेंगे, अंडरलाइन करेंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को नोट करेंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो इसमें हैं उसे नोट करेंगे और लास्ट में जो कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं इन्हें सॉल्व करने की आप कोशिश करेंगे। और अगर इसमें कोई परेशानी होती है तो फिर हम उसे सॉल्व करेंगे हम लोग ऑनलाइन क्लास में। और तब तक के लिए आप दोनों वीडियोस को देखकर टेक्स्ट बुक को पढ़ने और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।